नाजायज माइनिंग की कालाबाजारी का स्तर थमने का नाम नहीं ले रहा। बात किसी भी राज्य की हो तो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक आकाओं और माइनिंग विभाग की मिलीभुगत ने आम जनता तथा प्राकृतिक संसाधनों का सत्यानाश कर दिया है। बात करते हैं हिमाचल के सीमावर्ती इलाकों के क्रशर्स की, जो हिमाचल सरकार के नियमों की अवमानना करते आ रहे हैं। उन नियमों को ताक पर रखकर काफी लंबे समय से अवैध खनन करते आ रहे हैं। अपने आप को इस कालाबाजारी के गुरु समझने वाले यह क्रशर्स बिजली के बिलों से छेड़छाड़ करके, जनरेटरों की मदद से क्रशर्स चलाकर, न्यूनतम बिल काटकर, बिना एक्स फॉर्म के एवं जाली एक्स फॉर्म के जरिए हिमाचल सरकार को माइनिंग फीस, बिजली बिल, जीएसटी इत्यादि का करोड़ों रुपए का चूना तो लगा ही रहे थे, वहीं इनकी इस कालाबाजारी की बर्बरता का शिकार वहां के स्थानीय लोग भी हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस बाबत उनकी चीख पुकार भी जेसीपी, बड़े बड़े डोजर व अनगिनत टिप्परों के शोर में दब कर रह गई है। उनका कहना है कि माननीय हाईकोर्ट के स्टे होने के बावजूद भी इस चक्की खड में रात दिन अवैध खनन होता रहा। गांव वासियों ने माइनिंग विभाग को शिकायत भी की, पर अफसोस माइनिंग विभाग कुंभकर्णीय नींद सोया रहा। मेरे पीछे आप देखिए, इस चक्की खड्ड में मौजा खन्नी की जो चक्की खड्ड है, ये इसमें कितनी जैसी मशीनें अभी भी लगी हुई हैं, और जैसे जैसे जो सूरज ढलता जाएगा और जैसी मशीनें बड़ी बड़ी पोक लाइन जो है ना इस चक्की खड्ड के अंदर, जिनकी संख्या भी बताना बड़ा मुश्किल है, इतनी गिनती भी करनी इनकी ज़्यादा मुश्किल है, और इनके साथ साथ 25-25, 40-40 बड़े बड़े हाईवे टिप्पर जो हैं वो चले हुए हैं, जो खनन माफिया जो है इतना ज़्यादा जहाँ सक्रिय है, जहाँ पर सरकार ने एक एमओ नूरपुर में स्पेशल बैठाया हुआ है, लेकिन उनको भी अनेकों बार हम अपने दूरभाष नंबर पर अनेकों बार उनको व्यक्तिगत भी आके डेपुटेशन के तौर पर हम मिले हैं, लेकिन एक आश्वासन के तौर पर ही आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर आपने खुद आकर के देखा है कि जहाँ पर कितनी जैसी मशीनें अभी भी दिन को भी काम कर रही हैं, तो रात को क्या हाल होता होगा। इस इलाके का जितने भी लोग हैं बेचारे गरीब लोग हैं, इसी चक्की के सहारे, जहाँ से ही उनको पीने का पानी है, जहाँ से उनको खेती के लिए पानी था, जहाँ से सारी उनकी ज़िंदगी मौत जो भी है इस चक्की खड्ड के ऊपर ही है निर्भर, लेकिन इस चक्की खड्ड की इतनी दुर्दशा इस खनन माफिया ने। होशियार सिंह जी, एक बात बताइए, खनन माफिया, आप जब एमओ नूरपुर को मिले हैं तो एमओ नूरपुर को आपने बताया नहीं कि यहाँ क्या क्या होता है और कैसे कैसे खनन होता है, तो उनका क्या कहना होता है हमेशा आपको? उनको सर अनेकों बार हमने बताया है, लेकिन उनका ढुलमुल रवैया जो है ना, उनका गोलमोल जवाब होता है, हम इनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, वो कभी बहाना लगा देते हैं, आप पुलिस वालों को बोलो, यदि पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये माननीय विभाग का काम है, असली महोदय के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने इनको सख्त आदेश दे रखे हैं। उधर हिमाचल सरकार जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अपने बड़े सख्त कानून बना रखे हैं, इसमें सजा का प्रावधान है, इसमें जुर्माने का प्रावधान है, इसमें लाखों रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज दिन तक इस खनन माफिया के ऊपर किसी ने कोई जुर्माना किया हो। जाके पुलिस जी आई, फोन करने फोन नहीं चुकते, DSP साहब को फोन करो तो कोई फोन नहीं साढ़ा चुकते, ब्लैक लिस्ट साढ़े ना नंबर पाए देने भी, जे माइनिंग अफसर न फोन करो, हाँ जी आ रहे ना गार्ड आ रहे ना, कोई भी नहीं साड़ी सुनाई करता। हमने कई बार नूरपुर माइनिंग अधिकारी को स्थानीय जनता की परेशानी और हो रहे अवैध खनन से अवगत करवाया कि कैसे दिन रात चक्की खड्ड के अंदर आधुनिक मशीनें लगाकर अवैध माइनिंग की जा रही है, परंतु हैरान करने वाली बात यह रही कि अपने जवाब में उन्होंने कहा कि बिजली के बिल से माइनिंग सरकार को प्राप्त हो रही है, यह कहकर हमारी एक्स फॉर्म और अन्य बातों को नकार दिया गया। फिर हमने उनको यह भी बताया कि किस तरह कम लागत का बिल काटकर और जीएसटी के रूप में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, तो यह मेरा विभाग नहीं है, यह बात कहकर हमें बहकाने का प्रयास किया गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाल ही में सीमावर्तीय चार क्रेशर्स, मनकोटिया स्टोन क्रेशर टिपरी, भंद्राल स्टोन क्रेशर टिपरी, जयहरी स्टोन क्रेशर इंदौरा तथा न्यू शिवा स्टोन क्रेशर कंधवाल पर धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन पूरे तथ्यों को और गंभीरता से जानने के लिए हमने पंजाब के पठानकोट के माइनिंग अफसर गगन कुमार से बात की। उनके द्वारा किए गए खुलासे चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि कैसे नकली एक्स फॉर्म और छोटे से बिल के सहारे बड़े बड़े ट्रकों में माल लोड करके पंजाब में भेजकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अगली बात जो उन्होंने कही वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि जितनी क्वांटिटी के कच्चे माल की लीज जिला कांगड़ा की एक साल की है, उतना माल तो केवल 15 दिनों में पंजाब आ रहा है। जी हां, हैरान कर देने वाला सच कि जितना कच्चे माल की लीज जिला कांगड़ा की एक साल की है, उतना माल केवल सिर्फ 15 दिनों में पंजाब आ रहा है। बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन थी कि हिमाचल से इलीगल मटेरियल पंजाब में बहुत सप्लाई हो रहा है। रिसेंटली हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है पठानकोट का काफ़ी कॉस्टली गया है, हमारी अराउंड 62 करोड़ का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर को यही बोल रहे थे कि इलीगल मटेरियल बहुत आ रहा है, जिससे हमारी सप्लाई को नहीं हो पा रहा मटेरियल सही ढंग से। इसके रिगार्डिंग हमने चेक पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ जी हो सकता है ये, बट हमें यही था इन्फॉर्मेशन कि इलीगल मटेरियल आ रहा है तो उसको हमने रोकना था। उसके रिगार्डिंग हमने चेक पोस्ट इस्टेब्लिश की। जब हमने चेक पोस्ट इस्टेब्लिश की तो जो हिमाचल से हमारा चेक पोस्टों का घिराव भी हुआ स्टोन क्रशर के द्वारा, अपने उनके बंदे लगा के या काफ़ी ज़्यादा हमेशा पैनिक भी क्रिएट हुआ। उसके रिगार्डिंग मैंने एक एफ आई आर भी की है जब रिगार्डिंग कोविड टाइम, बट उसके बाद ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश क्रशर ओनर थे कि तंगी के रिगार्डिंग हमारे डी सी साहब के पास भी गए कि हमें जानबूझ के तंग किया, बट ऐसा नहीं था क्योंकि हमने कोई ओवरलोडिंग का चलान नहीं किया। ऐसा हमने एफ आई की है जिनके पास एक्स फॉर्म 6 टन का या 10 टन का था, गाड़ी में 11 मटेरियल होता था, तो जो भी इलीगल फेंस बनता था हमारी तरफ से वो कार्रवाई की गई है। जब ये घिराव करके डी साहब के पास गए तो हमें ये इन्फॉर्मेशन आई कि इनको ऐसे नहीं कि ये बोल रहे थे कि चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने चेकिंग नहीं की। हम जस्ट अपना रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे, गाड़ी आती थी उससे डाटा लेते थे और उसको जो उनके पास डॉक्यूमेंट थे हम चेक करते थे कि कहाँ से आया क्या नहीं आया, और गाड़ी को जाने दे रहे थे हम लोग। और ऐसे हमने काफ़ी डाटा इकट्ठा कर लिया और जो एक्स फॉर्म थे हमने खुद चेक नहीं किया, हमने उसको वेरीफाई के लिए जो एमओ हमारे जो है नूरपुर उनको भेजा। तो आफ्टर उन्होंने जब चेक किया उन्होंने और जो बिल वगैरह जो हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे, तो डी साहब ने हमें डायरेक्शंस की थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है उनको वेरीफाई किया जाए और अपने लेवल पर और डायरेक्टली या एमओ नूरपुर की नॉलेज में लाया जाए। ऐसे एक दिन मैं चेकिंग कर रहा था हरियाल साइड, तो जब मैं हिमाचल से गाड़ी आई तो मैंने जब चेक किया तो उनके बिल्स की डिमांड की मैंने, तो उन्होंने एक्स फॉर्म मुझे दिखाया 6 मेट्रिक टन का, लेकिन गाड़ी में 12 मेट्रिक टन का मटेरियल था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने 6 मेट्रिक टन का एक्स फॉर्म दिखाया और 12 मेट्रिक टन का मटेरियल इसमें है, वो कह रहे गलती से आ गया, आपको मैं 12 मेट्रिक टन का अभी दे देता हूँ, गलती से मैं ड्राइवर के पास हूँ। मैं वहीं पर वेट कर रहा था, उन्होंने इमीडिएट मुझे 12 मेट्रिक टन का एक्स फॉर्म ला के दिखा दिया। मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया और जब मैंने कलेक्शन की तो देखा था जो सीरियल नंबर था एक्स फॉर्म का वो सेम था दोनों का, तो वो फिर मुझे डाउट हुआ कि ये यहाँ पे सीरियल नंबर सेम ही होना चाहिए था। इसके रिगार्डिंग फिर मैंने अपने जो एमओ नूरपुर को लिखा और जो पुराने जितना जो मेरा डाटा कलेक्ट किया था पुराना जितना भी एक्स फॉर्म का वो सारा उसको अटैच किया। आफ्टर दैट ये सारी कार्रवाई हुई है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई है अभी तक यही आई कि एक्स फॉर्म वो गलत थे सारे, जिसके रिगार्डिंग उनके ऊपर 4 क्रशर के ऊपर FIs हुई है। अप्रोक्सीमेट ट्रक्स की बात की जाए तो एट प्रेजेंट मिनिमम में 500 से प्लस ट्रक निकल रहे हैं रोज। जी कहाँ से? वो हिमाचल से आ रहे हैं और जो ये टिपरी या नूरपुर साइड के देखे अराउंड 1000 ट्रक आ रहे हैं, तो 1500 के करीब ट्रक पंजाब में इंटर कर रहे हैं। देखिए जो हिमाचल के जितने बिल हैं उन पर क्वान्टिटी मैंशन नहीं होती, वो 1 ट्रक या अमाउंट मैंशन हो रहा है, वो तो GST का मैटर है, लेकिन जो एक्स फॉर्म है वो माइनिंग डिपार्टमेंट से कंसर्न है, तो हमारा एक्ट है तो रिगार्डिंग हमारा भी जो अपना रूल्स है उसके हम अपने जो भी बिल हमें डॉक्यूमेंट दिखाया जाए हम चेक करते हैं, और क्योंकि ड्यूटी माइनिंग डिपार्टमेंट हम माइनिंग डिपार्टमेंट से कंसर्न है तो हमने माइनिंग ऑफिसर को उसके रिगार्डिंग लिख दिया। सो अब तफ्तीश में अगली बारी थी नूरपुर के माइनिंग अफसर नीरज कुमार की। जब उनसे बात की तो वह हमारी सभी सवालों के जवाब सीधे तौर पर देने की बजाय घुमा कर दे रहे थे। उनसे जब एक्स फॉर्म की सच्चाई जाननी चाहिए तो बिना कुछ विस्तार में बताए यह कहकर बात टाल दी कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। क्या उन्हें नहीं पता कि एक्स फॉर्म असली है या नकली, और इसके पीछे क्या राज है, क्या सच्चाई है, इसका जवाब उन्हीं को तो देना है।
जब हमने उनको यह भी बताया कि हमने आपको अवैध माइनिंग और एक्स फॉर्म के बारे में बताया था, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब ना देकर फोन काट दिया। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी, अनिल खुराना बोल रहा हूँ। नीरज जी कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया सर। नीरज जी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, हमने काफी सारे 3-4 पर्चे भी करवाए हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी चाहता हूँ 2-1 मिनट की, कि जो आपने ये पर्चे किए हैं, आपने इनका रिकॉर्ड जब्त किया है, क्या इनके ऊपर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जी। कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? पुलिस कर रहा है इन्वेस्टिगेशन। नहीं तो आपका डिपार्टमेंट भी तो इन्वॉल्व होगा उसमें, आपके जो जो एक्स फॉर्म पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बनती है ना उसमें। नहीं जो एक्स फॉर्म वगैरह हैं जो असली हैं नकली हैं वो तो आप बताओगे ना, आपका डिपार्टमेंट बताएगा। पुलिस करेगी उसकी इंक्वायरी और वो डिपार्टमेंट तो करेगी टेकअप, तो डिपार्टमेंट करेगा बताएगा उसको भी नहीं करेगा। अच्छा, तो आप क्या समझते हो कि ये जो काला धंधा है कई कई टाइम से चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा था, हमने पहले भी उठाया था। जब ये नोटिस में आई है ये चीज तो हमने तो तुरंत एक्शन लिया उस चीज पे। हमने आपकी नोटिस में पहले भी लाने की कोशिश की थी, तब आपने शायद हमें सीरियसली लिया नहीं, तो सब की बात है जी। मैं आपके पास आया भी था, मैं आपकी आपकी बाइट भी लेके आया था, तभी मैंने आपको बताया था कि चक्की दरिया जो है ये प्रतिबंधित एरिया है, परंतु यहाँ धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, हमने काफी सारी रिकॉर्डिंग की। कभी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, माइनिंग की कोई बात नहीं, एक्स फॉर्म की बात है। मैंने आपको एक्स फॉर्म के बारे में बताया था, जब मैंने आपको एक्स फॉर्म के बारे में बताया था तब आपने ये बताया था। हम आपको यह बताना जरूरी समझते हैं कि यह वही अफसर हैं जो हमारा फोन सुनकर अक्सर काट देते हैं और अक्सर हमारे सवालों का जवाब देने से भी कतराते हैं, वही सवाल जो जनता के तथा सरकार के हित से संबंधित होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्यों हिमाचल सरकार ऐसे अफसरों की तहकीकात नहीं करती, या सच कुछ और है कि इनकी मिलीभुगत के या इनके आशीर्वाद के बिना यह संभव ही नहीं है। अब इस कड़ी का दूसरा पहलू, जहां एक तरफ रणबीर सिंह निक्का हिमाचल स्टोन क्रेशर एसोसिएशन प्रधान ने पंजाब सरकार एवं पंजाब के माइनिंग ठेकेदारों पर लगातार नकली बिल व नकली दस्तावेजों के होने की गुहार लगाई, वहीं उनके ऊपर खुद नकली दस्तावेजों के जरिए माल भेजने के जुर्म में 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। जो इलीगल उगाही कर रहा 6 to 8,000 रुपए तक की उगाही कर रहा, वो सरकार के खाते कोई भी पैसा नहीं जा रहा, सरकार के खाते दे विच जंदा तो सरकारी परची होंगी, इदा की परची इलीगल परची दे जाते हैं 6 to 8,000 रुपए की उगाही करते हैं, सरकार का फार्म ये देंदे नहीं। साड़ियाँ गड्डिया जड़िया हिमाचल तो आने वाली हिमाचल क्रैशर एसोसीएशन वालों जो भी पंजाब की ट्रांसपोर्ट साढ़े हिमाचल च गड्डी भरन नूं जांदा, वो गड्डी जिस वेले वापस आती है तो नाके ते उन्हों हरास करके उन्हां तो 6 to 8,000 रुपया वसूलन की कोशिश कर देना। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले इन्हें खुद के गिरेबा में झांकना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन सभी की राजनीतिक पहुंच काफी ऊंची है, अब देखना यह है कि क्या सरकार इनका साथ देती है या इनके साथ सख्ती से पेश आते हुए इन पे कार्यवाही करती है। हमारी टीम ने नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया से बात की। प्रणाम मान्यवर, मैं सचदेव इकोनॉमिक एडिटर। सर हम सम्मानित हैं आप हमसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू पे रिस्पेक्ट्स टू यू कि आपने इतना सराहनीय कार्य किया है और जो करप्शन हमारे देश में इतनी दुविधाएं ला रहा है उसको आपने डायरेक्ट हिट किया है। समाज आपका जो है ऋणी है सर। मैं बहुत ही ब्रीफली 2 सवाल आपसे करूंगा। एक तो ये कि इन लोगों के खिलाफ कई धाराओं में अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, क्या इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, और अगर कर दिया जाए तो बहुत ही सिंबॉलिक मैसेज स्प्रेड होगा सर। देखिए मैटर इज सब जुडिशियस एंड नाउ द बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस, द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड इन द राइट अर्नेस्ट एंड आई एम 100% श्योर दैट वी विल रीच टू द फिलीपींस। जो हमारे पास एविडेंस है वो जो है वो बहुत स्ट्रांग है जी, 100% कन्विक्शन के चांसेस। दूसरा सवाल सर इससे ही जुड़ा हुआ है
और हिमाचल जैसे सुसज्जित राज्य जिसको परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा रही है और प्राकृतिक संपदा बहुत है जिसको लूट रहे हैं लोग, तो क्या आप ये मुहिम और शहरों में भी चलाएंगे? देखिए, बहुत बड़े स्तर पर हमने इसका अभियान छिड़ा हुआ है और पंजाब और हिमाचल की सीमाओं के को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। हमारी दो बैठकें दोनों प्रशासन की हो चुकी है आपस में, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पठानकोट भी और डिप्टी कमिश्नर कांगड़ भी बीच में रहे हैं और हमने सारे एसडीएम से इन्वॉल्व किया है। बहुत जल्द हम इस मैटर को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, दूध को दूध पानी का पानी, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे। बाकी आई पर्सनली फील की मैटर इज नाउ सब जुडिशियस एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक, इन्वेस्टिगेशन ऑन द राइट ट्रैक और सबका, और ये जो है अभियान काफी तेजी से बाकी क्षेत्रों में भी फैलेगा। जी, समस्या जो सर हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को फेस करनी पड़ रही है वो है पानी का स्तर नीचे गिर रहा है सर। अब इन लोगों को ठेके मिलते हैं 10 फीट 20 फीट तक खोदने के और ये 40-40 फीट तक खोद देते हैं, उससे अब पानी का जल स्तर नीचे आता जा रहा है। तो ये दो जो समस्याएं आपने एक ही चोट से सुलझाने का प्रयास किया, इसके लिए समाज आपका ऋणी है सर। जो पानी की समस्या है, इसका सबसे बड़ा डर जो हम लोग नहीं समझ पा रहे कि जो हमारा निचला जो तय जो हमारे नीचे जा रही है, उस तय के बाद हमारा पानी केमिकल के साथ मिल जाएगा और उसके बाद जो हमारे जो भी हमारे क्षेत्र में बच्चा पैदा होगा 10 में से 8 बच्चों को कैंसर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्थिति अबोहर में फजिलका में आ गई और नूरपुर में ये और पठानकोट में स्थिति बहुत जल्द आने वाली है। इस चीज के लिए हम पिछले 15 साल से एनवायरमेंट की फ्रेंडली लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे। ये विषय बहुत गंभीर है और उसको बड़ा सीरियसली हम ले रहे हैं। सर, मेरा अंतिम प्रश्न थोड़ा मौलिक है। सर, आजकल जो समस्या हमारे समाज को घेरे हुए है वो है अनड्यू एनरिचमेंट की समस्या। सर, जो कि समाज के जो लंपन एलिमेंट हैं वो माइनिंग जैसे व्यापार में लगकर बगैर राजस्व दिए रातों रात अमीर होते हैं और उसके बाद वो समाज में एक ऊंचा स्थान ग्रहण कर लेते हैं और बाद में वो राजनीति में कूद करके जब निर्णायक स्थिति में आते हैं तो करप्शन करते हैं, जिससे हमारा देश खोखला होता जा रहा है। तो ये जो सर आपने कदम लिया है, ये एक बहुत बड़ी चोट है उस अनड्यू एनरिचमेंट की तरफ। सर, ये आपका कदम जो है सर, वो देश को बहुत बहुत फायदा पहुंचाएगा। आपको हम ये बता दें कि इससे पहले भी हम राकेश पठानिया से मिले थे और उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया था। ये एक बहुत बड़ा एक बड़ा विशिष्ट सा साइकिल है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत कई सालों से इस विषय पे जो है काम नहीं हुआ। अब इस पे विषय पे काम भी हो रहा है और आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ये जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है, ये जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है, ये बड़े अलार्मिंग इश्यूज हैं। इस इश्यूज के ऊपर मैं लगातार विधानसभा में लड़ाई लड़ रहा हूँ एंड आई विल कंटिन्यू टू फाइट दिस बैटल टिल द लास्ट, जब तक हम इसके ऊपर अचीव नहीं कर ले रहे। आई एम वेल अवेयर जो आप बता रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने और आपके आपके चैनल ने, आप लोगों ने इस विषय पे लगातार लड़ाई लड़ी है। अगर राजनीतिक शक्ति ना हो तो इतने बड़े स्तर का मामला दर्ज किया ही नहीं जा सकता। इस कार्य के लिए पंजाब टाइम्स तथा फास्टवे की टीम राकेश पठानिया को बधाई देती है और यह भरोसा दिलाती है कि अगर विधायक इसी तरह अवैध खनन पर ध्यान देंगे और कड़ा रुख अख्तियार करेंगे तो हम एक कदम आगे बढ़कर और भी गहराई तक जाकर इस मामले में और भी तथ्य उजागर करने का प्रयास करेंगे। We'll be right back.